नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित बनवाल। 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। IBPS PO का मेरा पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट में, जिसका सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस मैं आप सबके सामने देने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप पीछे देख सकते हैं, मैं सेंटर के पास ही बैठ के दे रहा हूँ। मैंने सोचा कि घर जाते जाते कम से कम 1-2 घंटा लग जाएगा, फिर वीडियो बनाएंगे तो आप काफ़ी देर हो जाएगा, और थर्ड शिफ्ट का पेपर भी नज़दीक है, तो मैंने सोचा कि अभी ही डाल दूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो और आपको समझ में आए कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, मेरे कितने अटैम्प्ट रहे और गुड अटैम्प्ट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंग्लिश के साथ। ठीक है, इंग्लिश में टोटल 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से पैसेज में से 6 से 7 क्वेश्चन था। ठीक है, और उसमें साइनो एंटो था, जो मैं बता रहा हूँ मुझे याद है, मैं देखिए लिख के लाया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ लिख के लाया हूँ। तो एक पूछा था ब्राइट का एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, मैंने डीम किया है, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है तो आपने क्या किया ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक था डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल का सिनोनिम पूछा था, मैंने किया है, सॉरी थोड़ा सा हिल गया, मैंने किया है फ्लॉड। ठीक है, उसके बाद था रन्स, रन्स का सिनोनिम्स पूछा था, मैंने किया है फंक्शनल। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं, एक एरर आया था 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे एरर के, जिसमें से मैं बता रहा हूँ मेरा क्या क्या एरर आया था। एक था ट्रिगर करके कुछ था, तो ट्रिगर की जगह ट्रिगर्ड होता, वहाँ पे आंसर गलत था, वहाँ पे एरर था। एक था जेनरेट्स के बाद अल्टरनेटिव्स दे दिया था, जो कि अल्टरनेटिव होना चाहिए, ये एक एरर था। फ्रेज रिप्लेसमेंट थे 5। ठीक है, और 5 क्वेश्चन थे रीअरेंजमेंट के, रीअरेंजमेंट के आंसर मुझे याद है, अगर आपने फर्स्ट में पेपर दिया तो आंसर आप मेरे साथ मैच कर सकते हैं। आपका क्या आंसर था ये मुझे बताइएगा। रीअरेंजमेंट में था FDACEB, 5वां जो था ई वो फिक्स था, और बाकी जो बचा हुआ था वो था, मतलब आंसर जो था वो था FDACEB। ठीक है, तो ये इंग्लिश के हो गए क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं क्वांट में। क्वांट में 2 DI आया था, एक DI था पाई चार्ट में, वो थोड़ा सा टफ था, मतलब बाकी दूसरा DI के कंपैरिजन में। पाई चार्ट में 5 जोन दिए हुए थे, रीजन दिए हुए थे, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल। ठीक है, और उसमें साइंस और कॉमर्स का डेटा दिया हुआ था, यानी कि पाई चार्ट टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे 4000, और पाई चार्ट में जो है नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न का परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ था, वहाँ से आपको साइंस और कॉमर्स का वैल्यू निकाल लेना था, और टेबल में जो है साइंस का डेटा दिया हुआ था। तो वहाँ से आपको बनाते कैसे कि पहले पाई चार्ट से आप टोटल वैल्यू निकाल लेते साइंस और कॉमर्स का, और टेबल में जो साइंस का डेटा था उसको माइनस कर देते तो कॉमर्स का आ जाता, और बस उसके बाद क्वेश्चन था। दूसरा जो DI था वो था टेबुलर बेस्ड। ठीक है, उसमें पेन और बुक को सेल कर रहा था एक दुकानदार। ठीक है, उसका रेशियो दिया हुआ था, जैसे 1:3, 2:4 पेन और बुक का, और एवरेज नंबर दिया था, जैसे कि पेन और बुक का 200 एवरेज, तो टोटल कितना होगा 400। तो यानी कि यहाँ से आपको टोटल निकालना था, रेशियो को टोटल ऐड करके, जैसे 1:3 रेशियो दिया हुआ पेन और बुक का, और एवरेज जनवरी का मान लीजिए दिया हुआ है 200, तो टोटल हो जाएगा 400। 1:3 इक्वल टू, मतलब 1+3 4 = 400 कर देते, और वहाँ से आपका आंसर आ जाता, इस तरह से बनाना था। ठीक है, 5 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे और 5 नंबर सीरीज के क्वेश्चन, मिसिंग नंबर थे, जिसमें से एक मेरा बना नहीं। ठीक है, उसमें पता नहीं प्राइम नंबर का डिफरेंस लेना था, डबल डिफरेंस में, वो मेरे से बना नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग में टोटल 4 सीलॉक्स आए थे, 3 इनइक्वालिटी आया था, और 4 पजल थे। ठीक है, एक पजल था फ्लैट और फ्लोर वाला, जिसमें से एक वेरिएबल भी था। दूसरा पजल था सेलेक्शन बेस्ड पजल, उसमें क्या था 9 लोग थे। ठीक है, और वो लोग 3 जगह से बिलोंग कर रहे थे, एक पुणे, एक मुंबई और एक बेंगलुरु। इसमें मेरा जो आंसर आया था मैं आपको बता दे रहा हूँ, बेंगलुरु में टोटल 4 लोग होंगे ये कन्फर्म है, और F जो था वो मुंबई में था, A और F मुंबई में था, बेंगलुरु में टोटल 4 लोग थे। इसी तरह कुछ आंसर था, आप अपना मिला लीजिएगा अगर आपने फर्स्ट में पेपर दिया है तो। ठीक है, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे, मिसेलेनियस के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक नंबर दे दिया था और बोला था कि इवन नंबर में 2 सबट्रैक्ट करना है, ऑड नंबर में 1 सबट्रैक्ट करना है, और उसके बाद जो डबल जो रिपीट हो रहा है उसको हटा के टोटल नंबर ऑफ, मतलब सम क्या हो रहा है, डबल जो रिपीट हो रहा है उसको हटा देना है, और बाकी सम क्या हो रहा है वो बताना था। तो उसका आंसर 8 आया मेरा, आपका क्या है आप कमेंट सेक्शन बताना। और एक था आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसमें 2 क्वेश्चन थे, सॉरी उसमें 1 क्वेश्चन थे जिसका आंसर 2 था। ठीक है, तो इस तरह से मेरे क्वेश्चन मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, रिव्यू काफ़ी हेल्प करेगा आपको आने वाले एग्जाम में, इसलिए रिव्यू जरूर देखिएगा। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका पेपर मेरे से अच्छा गया। अच्छा, मेरे अटेम्प्ट मैंने बताया नहीं, मेरा जो अटेम्प्ट था वो 19 है रीजनिंग में, 19 है मैथ्स में, और इंग्लिश में 24 है। पेपर मेरा उतना अच्छा गया नहीं, थोड़ा सा मैथ्स में मैंने डेटा रीड करने में मिस्टेक कर दिया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो क्या नाम है
पेपर देने आए हैं, दो फ्रेंड हैं, उनसे चलिए पूछते हैं कितना अटेम्प्ट रहा और क्या रहा, ठीक है? एक सेकंड आप थोड़ा सा, कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मेरा अटेम्प्ट रहा 67। कितना कितना किया? मैंने मैथ्स में 21 किया है, रीजनिंग में 21 किया है और इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट लिया मैंने। क्या लगता है आपको गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है? आई थिंक गुड अटेम्प्ट रीजनिंग में 25 के अबव होना चाहिए था, फिर भी 25 तक भी सही है। और मैथ्स में? मैथ्स में गुड अटेम्प्ट आई थिंक 20 से लेकर 23 तक ठीक है, गुड अटेम्प्ट उतना होना चाहिए। और इंग्लिश में? इंग्लिश में भी सही है, 23 से। मतलब आपका कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे मार्क्स 60 के अबव तो आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने तो अटेम्प्ट ले ही लिया 67। चलिए बेस्ट, आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके, ठीक है। आपका कितना अटेम्प्ट रहा? मेरा अटेम्प्ट इसमें 60 रहा है। और मेरे मैथ में इसमें अटेम्प्ट हुए हैं 18, इंग्लिश में 19 और रीजनिंग में 23। ये मेरा अटेम्प्ट रहा है। और जैसा कि गुड अटेम्प्ट में की बारे में अगर बात करूं, तो गुड अटेम्प्ट अगर आप लोग 56-62, ये आपका गुड अटेम्प्ट। चलिए ठीक है, चलिए आपको भी बेस्ट ऑफ लक। तो आपने सुना, मेरे हिसाब से भी अगर गुड अटेम्प्ट का बात करें तो मेरे हिसाब से 58 से लेके 65 तक गुड अटेम्प्ट है। वैसे करने वाले तो 70-75 भी करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये गुड अटेम्प्ट है। और कट ऑफ के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले चारों पेपर होने देते हैं। आज का जो भी चारों शिफ्ट का पेपर है उसको पहले एक बार देख लेते क्या है, उसके बाद शाम में हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नए हैं तो। चलिए ठीक है फिर, बाय।